अनेक वृक्षों, फलों पर, पौधों पर हमने वीडियो बनाई है। इसी कड़ी में आज का विशेष पौधा है जो धन प्रदायक है, माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है और इस पौधे को घर में लगाना वास्तु फ्रेंडली है। कुछ लोग इसको घर में लगाना शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसा पौधा शुभ होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका स्वागत करती हूँ। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी पर परामर्श दे रही हूँ। नवरात्र ऑफ़र 3 से 12 तारीख तक चालू हो जाएंगे। नवरात्र ऑफ़र भारी डिस्काउंट के साथ आपको दिए जा रहे हैं, तो बिना सोचे समझे तो लीजिए परामर्श। सोच समझ के लेना चाहिए, लेकिन हम पर 100% आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई धांधली फ्रॉडनेस नहीं है। हम ईमेल आईडी के थ्रू परामर्श देते हैं जो आपको भयंकर भयंकर ज़बरदस्त पैसा दिलाएगा और आपकी हर मुश्किल दूर करेगा। ये हमारा वादा है आपसे, तो हमारे से परामर्श लीजिए। डॉक्टर उमाश्री चैनल में आएँ और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है और धनराशि अल्प मात्रा में आपसे ली जा रही है, तो इसका लाभ अवश्य उठाइए। 3 से 12 तारीख तक आपको लाभ दिया जाएगा। 100 लोगों को ही परामर्श दूंगी। नवरात्रों में हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। अनार के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। जो मनुष्य, जो स्त्री, जो जातक अनार के पौधे के समक्ष एक दीपक माता लक्ष्मी के नाम का लगाता है, उसमें उसके जीवन में धन दौलत के ऐसे ढेर लगते हैं कि जिंदगी भर धन की कमी नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी का मंत्र जाप करें, ओम श्रीम श्रेय नमे बोलें या श्रीम डिजी नम मंत्र बोलें, अत्यंत आपको लाभ मिलता है। और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ये नाम जपें तो अनार का पौधा आपके लिए शुभ फलदायी होता है। अनार का ऐसा पौधा जो इसमें फल ही फल आते हैं उसको लगाना शुभ होता है। जिसमें फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, ऐसा पौधा नहीं लगाना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा पौधा विपदाओं को लेकर आता है, गरीबी को लेकर आता है। अनार का पौधा आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं, पूरब दिशा में भी लगा सकते हैं, अन्य दिशाओं में इससे बचें। अनार की कलम से यंत्र लेखन किया जाता है। अनार की कलम में ऐसी शक्ति होती है, जिस यंत्र को भी आप लिखते हैं उसकी शक्ति सहस्त्रों गुना बढ़ जाती है। तो अनार की कलम ऐसी पावरफुल कलम होती है, इसीलिए अनार का पौधा घर में लगाएं, जिससे आपको कलम भी प्राप्त हो सके। और फलदार ही लगाएं, फलदार पौधे घर में नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन ये पौधा इसका अपवाद है। माता लक्ष्मी की पूजा में भी अनार के जो फल हैं चढ़ाए जाते हैं, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। दिवाली के अवसर पर अवश्य माता लक्ष्मी को अनार का जो फल है वो अर्पित करें, सिंघाड़े के साथ में, सीताफल के साथ में, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।